उमर खयाम का पूरा नाम अबू अल फतेह उमर खयाम बिन इब्राहिम निशापुरी है। उमर खयाम के बारे में मुतद्दद सवाना निगारों ने इसका साल पदायश 408 हिजरी या 410 हिजरी लिखा है और इसके साल वफात के मुतल्लक भी कोई फैसला कुन बात नहीं की गई। एक अंदाजे के मुताबिक इसने 526 हिजरी में वफात पाई। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं तलवार हक यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त राव जुबैर। उमर खयाम इल्मे हैत और इल्मे रियाजी का बहुत बड़ा फाजिल था। इन अलूम के अलावा शेरो सुखन में भी इसका पाया बहुत बुलंद है। इसके इल्मो फजल का एतराफ अहले ईरान से बढ़कर अहले यूरोप ने किया। नाजरीन, उमर खयाम की पैदायश ईरान के एक मशहूर और कदीम शहर निशापुर में हुई। नाजरीन, उमर खयाम अलूमे फनून की तहसील के बाद तुर्कस्तान चला गया, जहां फलसफा में बू अली सीना का हमसर और मजहबी अलूम में इमाम फन था। दोस्तों, अगर अभी तक आपने बू अली सीना के मतलब हमारी वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं और उससे इस्तफादा हासिल कर सकते हैं। उमर खयाम अलूमो नजूम का तो माहिर माना ही जाता था, पर बादशाह वक्त खास खास तकरीबात की तारीख मुकर्रर करवाने के लिए उमर खयाम ही की तरफ रजू करता था। काजी अबू ताहर ने इसकी तरबियत की और आखिर शमशुल मलक खाकान बुखारा के दरबार में पहुंचा दिया। मलिक शाह सलजूकी ने इसे अपने दरबार में बुलाकर सदर खाना मलक शाही की तामीर का काम सपुर्द किया। यहीं से फलकियाती तहकीक के सिलसिले का आगाज किया और जब्ज मलिक शाही लिखी। अपनी रुबाइयात के लिए उमर खयाम बहुत मशहूर था। मुख्तलिफ अलूम में माहिर होने के बावजूद उमर खयाम की शोहरत का सरमाया उसकी फारसी रुबाइयात हैं। इस बुलंद पाया शायर का इल्मी दुनिया से तारुफ कराने में अहले यूरोप ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सबसे पहले रूसी प्रोफेसर वेल नतेन जूकी फस्की ने रबायात उमर खयाम का तर्जमा किया। फिर फिटनर जिराल्ड ने उमर खयाम की बाज रबायात का अंग्रेजी में तर्जमा किया और बाज अहम मजमून रबायात का मफहूम पेश करके कुछ ऐसे अंदाज में अहले यूरोप को उमर खयाम से रोशनास कराया कि इसे जिंदा व जावेद बना दिया। उमर खयाम जब नजूम रियाजी और फलसफे के पचीदा मसाइल से फारिग होता तो दिल और दिमाग की तफरी के लिए शेर की तरफ माइल होता। उमर खयाम की शायरी का हासिल सिर्फ उसकी फारसी रबाइयात हैं। रबाइयों की जुबान बड़ी सादा सहल और रवा है, लेकिन इनमें फलसफियाना रमूज हैं जो इसके जाती तासरात की आयनादार हैं। सबसे पहले जो चीज उमर खयाम की रबाइयों में हमें नमाया नजर आती है वो इंसानी जिंदगी के आगाजो अंजाम पर गौर व हवस है। अगरचे इंसानी जिंदगी मुख्तसर है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन दरियाफ्त और जस्तजू की एक उमंग है जो इंसान को काना नहीं रहने देती और इसकी बदौलत वो अपने आगाजो अंजाम के मुतल्लक सोचता रहता है। इसके कानों में रह रहकर ये सदा गूंजती है, माज आगाजो अंजामो जहां भी खबर यम अव्वलो आखरीन कहन किताब आफ्ता दस्त। तर्जमा, इंसान की ये बेखबरी लाइल्मी जिंदगी की रफ्तार और बेचैन रूह इसे जुस्तजू और दरियाफ्त की राह पर लगाए रखती है। नाजरीन, ये और इन जैसी बहुत सी रुबाइयात का तर्जमा दुनिया के करीबन सब मारूफ जुबानों में हो चुका है। अलूम नजूम और रियाजी का उमर खयाम बहुत बड़ा आलम था। उमर खयाम की तसानीफ के ऊपर
इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम में लिखा हुआ है कि उमर खयाम रियाजी में महारत रखता था। इसने अरबी जुबान में जबरो मुकाबला लिखा है जिसके नुस्खे लेडन में मौजूद हैं। मुसादरात पर जो तहकीक उमर खयाम ने की है इसका तर्जमा मुख्तलिफ जुबानों में हो चुका है। दुनियाए अरब में पहली मर्तबा खयाम की शोहरत इसकी रियाजी दानी ही की वजह से हुई। सैयद सलमान नदवी ने उमर खयाम और इसके समाना हयात पर नाकदाना नज़र में उमर खयाम की बहुत सी किताबों का जिक्र किया है। बिलाखर 11 मुहर्रमुल हराम जुमे के रोज 526 हिजरी 4 दिसंबर 1131 ईस्वी को उमर खयाम इस दुनिया फानी से कूच कर गए। अल्लाह ताला उमर खयाम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे और उनके इलम से हमें इस्तफादा हासिल करने की तौफीक दे। इसी के साथ दीजिए तलवार हक की टीम को इजाजत। मिलेंगे आपको एक नई और हकीकत पर मबनी वीडियो पर। तब तक के लिए अल्लाह निगेबान।